हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं, आप देख सकते हो क्या है हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है फेमस लेक्स इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जितनी भी प्रमुख झील है इनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और देखेंगे कि कौन सी झील किस राज्य में है, कौन सी झील किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, क्या इसकी विशेषता है। इस तरह की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी ना, वो सारी इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो इससे क्या होगा कि सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी और एग्जाम में जब भी यहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम आप आसानी से अटेंड कर सकते हो उस क्वेश्चन को इजीली। तो चलो, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते आज का ये सेशन और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो गाइस, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है और पहला क्वेश्चन हमारा है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो यहाँ पे चिल्का झील की बात करते हैं तो ये उड़ीसा में स्थित है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा। अब हम बात करेंगे चिल्का झील के बारे में यहाँ पे और रिलेटेड, इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इनकी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करूंगी कि जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी झील है। गाइस ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील और ये मतलब कि खारे पानी की झील है और विश्व में ये दूसरे नंबर की समुद्री झील है। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी प्रसिद्ध समुद्री झील कौन सी है, सबसे बड़ी समुद्री झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी प्रसिद्ध झील है चिल्का झील और विश्व में जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी समुद्री झील है वो है चिल्का झील। बता चुकी हूँ सारी चीज़ें। और अगर हम बात करें कि ये कितनी लंबी है तो गाइस 70 किलोमीटर ये लंबी है और चौड़ाई की बात करें तो 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यहाँ देखिए, इससे रिलेटेड फैक्ट मैंने बताया था अभी कि जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी, भारत की तो सबसे बड़ी और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी क्या है, समुद्री झील। आपको याद रखना है समुद्री झील। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, डल झील है ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर। तो डल झील की बात करते हैं तो ये है जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जम्मू कश्मीर में बात करें कि वूलर झील है ये सबसे बड़ी झील है, कौन सी है, वूलर। तो यहाँ पे मैंने लिखा वूलर, पहले नंबर पे वूलर है और वूलर के बाद जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ी झील है वो है डल झील। ये देखो यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर में वूलर झील के बाद में दूसरी सबसे बड़ी झील है डल झील। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में स्थित और भी खूब सारी झीलें हैं जिनके नाम देखो मैं आगे बता देती हूँ। वैसे तो देखो आप लिख सकते हो चाहो तो, जैसे कि शेषनाग झील, अनंतनाग और बैरीनाग झील हो गया, बैरीनाग के बाद नागिन झील हो गया, लेबनान हो गई, वूलर झील हो गई, डल झील हो गई, मानस झील हो गई, शेषनाग वगैरह इस तरह से करके। यहाँ देखिए, देखो डल झील की बात करें, क्या मैंने बताया जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में भी श्रीनगर में स्थित है और ये भी मैंने बताया था कि वूलर झील के बाद में ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। अब जम्मू कश्मीर में और जो झील है उनके नाम आप देख सकते हो और आप चाहो तो एक काफ़ी प्यारी सी ट्रिक है इसको याद करने की, देखो क्या है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डव ले आना बेशरम, बस इतनी सी आपको याद रखनी है ट्रिक है ये, डव ले आना बेशरम है ना, इतनी सी ट्रिक है। अब देखो इससे क्या बनेगा, डव से डैसे बन गया डल झील, वैसे बन गया वूलर झील और ले से लेबनान, आना, आना में जो आ साइलेंट है और ना जो है, ना से क्या बन गया नागिन झील और बेशरम में बे से बन गया बैरीनाग झील और से आ रहा है जो से बन गया शेषनाग झील और मैं से क्या बनेगा, मैं से बनेगा मानस बल झील। तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी और उम्मीद करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील जिसका नाम है वूलर झील ये किस राज्य में स्थित है। तो अभी हमने बात की थी वूलर झील कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर, आपको याद रखना है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, और ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है वूलर झील, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन है, गोविंद सागर झील है ये कहाँ स्थित है। इसके लिए ऑप्शंस है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो गोविंद सागर झील की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है,
तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें गोविंद सागर झील की, तो हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है बिलासपुर, वहाँ पे ये स्थित है और ये मानव निर्मित झील है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इस झील का नाम गोविंद सागर क्यों पड़ा, तो गाइस इस झील का नाम सिखों के 10वें गुरु, ध्यान दीजिएगा, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है उनके नाम पर इसका नाम पड़ा गोविंद सागर झील। और ये जो झील है ये कौन सी नदी पे है, सतलज नदी पे है, भांकड़ा बांध है उसके निर्माण के कारण ये बनी। यहाँ देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, कहाँ पे है, मानव निर्मित झील है और जो सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह उनके नाम पर इसका नाम पड़ा ये गोविंद सागर झील। और साथ ही साथ आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो। अगला क्वेश्चन है कि लोनार झील है वो किस राज्य में स्थित है, तो गाइस लोनार की बात करें तो महाराष्ट्र में स्थित है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र। अब ये लोनार झील की बात करें तो ये एक खारे पानी की झील है, ये आपको याद रखना है। इसका निर्माण कैसे हुआ है वो भी आप देख सकते हो, उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण इस झील का निर्माण हुआ लोनार झील का। अगला क्वेश्चन है कि मानसबल झील है ये कहाँ स्थित है, ऑप्शन है असम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, तो आंसर आपको पता होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने ट्रिक से आपको बताया था जम्मू कश्मीर में। और ट्रिक मैंने क्या बताई थी फिर से मैं लिख देती हूँ, डव ले आना बेशरम, क्या बताया था, डव ले आना बेशरम, किससे क्या बन रहा है वो सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ, डल से डैसे बन गया डल झील, वैसे वोलर, ले से लेबनान, आना आ साइलेंट है, ना से बन गया नागिन झील, बे से बन गया, बे से क्या बना, बे से मैंने बताया था बैरीनाग झील, और बेश्रम से बन गया शेषनाग झील, और मैं से बन गया मानसबल झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चोलामू झील कहाँ पे स्थित है, तो चोलामू झील की बात करें तो ये सिक्किम में स्थित है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सिक्किम। अब इस झील की बात करें चोलामू झील की, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर ये स्थित है और जो तीस्ता नदी है इसका उद्गम भी यहीं से हुआ। अगला क्वेश्चन है कि राकसताल झील है ये कहाँ स्थित है, तो राकसताल की बात करें तो उत्तराखंड में स्थित है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड। अब देखो आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हो, इसके लिए आप जो ट्रिक है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नैना ने, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है नैना ने सारा माल देखा, आप चाहो तो साथ साथ नोट कर सकते हो, नैना ने सारा माल देखा है ना, ये अपनी ट्रिक है। अब देखो किससे क्या बन रहा है ये चीज आप देखिएगा, नैना में नए आ रहा है तो नए से बन गया नैनीताल झील है ना, तो नैना ने सारा माल देखा, सा से बन गया सातताल झील, रा से बन गया राकस झील, सारा माल, माल से बन गया मालाताल झील, और देखा, देखा में, देखा में देखो दे से बन रहा है देवताल झील, और खा से बन रहा है कुरपाताल झील। तो देखो यहाँ पे ये सारी झीलों के नाम भी लिखे हुए हैं, तो उम्मीद करती हूँ चीजें समझ में आ रही होगी। और एक तरीका ये भी आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जिनके नाम में और पीछे ताल आ रहा हो वो सारी झीलें कहाँ पे हैं, वो सारी झीलें उत्तराखंड में, और जिनके नाम में नाग, नाग या फिर नागिन, ध्यान दीजिएगा नाग या फिर नागिन आ रहा हो वो सारी झीलें हैं जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि बेम्बानाथ झील है ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है केरल में, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है केरल। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोलेरू झील है किस राज्य में स्थित है, तो गाइस कोलेरू झील की बात करें तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, और इस झील की बात करें तो मीठे पानी की झील है ये। अगला क्वेश्चन है कि अष्टमुडी झील है ये किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं, तो अष्टमुडी झील की बात करें तो ये केरल में स्थित है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा केरल। अब ये जो झील है अष्टमुडी झील, इसका आकार है वो 8 भुजाओं वाला है, और इसी के कारण से इस झील का नाम पड़ा अष्टमुडी झील। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील जिसका नाम है सांभर, तो हमें बताना है किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। अब देखो आजकल यानी कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो डेली तो इन दिनों में अभी एक दो दिन से आपने देखा होगा काफ़ी न्यूज़ आ रही है इसके बारे में, क्योंकि ये देखो खारे जल की झील है और यहाँ पे नमक का उत्पादन होता है, तो इस कारण क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे पक्षी मारे जा रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में बनी हुई है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन बी है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि मैंने बता दिए हैं।
अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील जिसका नाम है लोकटक झील, ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या फिर त्रिपुरा। तो यहाँ पे लोकटक झील की बात करें तो मणिपुर में स्थित है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा मणिपुर। अब यहाँ पे देखो लोकटक झील की बात करें तो गाइस आपको याद रखना है कि दुनिया में इसे तैरती हुई झील के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया में तैरती हुई झील के नाम से किस झील को जाना जाता है तो आपका आंसर होगा लोकटक झील। अब यहाँ पे तैरती हुई झील की बात हुई है तो इसी से मिलती जुलती एक और चीज हम देख लेते हैं कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है? तो गाइस इसका नाम है कैबुल लामझाओ नेशनल पार्क जो कि है मणिपुर में। ये देखो आप यहाँ पे सारी चीज बता चुकी हूँ, लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में है, और ये भी मैंने बता दिया दुनिया में इसे तैरती हुई झील के नाम से जाना जाता है, और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है नेशनल पार्क है वो है कैबुल लामझाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद है इसके बीच में कौन सी झील स्थित है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में जो झील उपस्थित है, जो झील स्थित है, उस झील का नाम है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पे देखो तेलंगाना में ये एक कृत्रिम झील है, कौन सी? ये जो है हुसैन सागर, तो ये मैंने बता दिया तेलंगाना में ये एक कृत्रिम झील है जो कि, अब तेलंगाना में भी कौन सी जगह है? हैदराबाद में एग्जैक्टली। अब ये हैदराबाद में है तो ये हैदराबाद है इसको, अब देखो कई बार पूछा जाता है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर किसको कहा जाता है? सिकंदराबाद को। तो हैदराबाद का जो जुड़वा नगर है सिकंदराबाद, इसको ये अलग करती है, हैदराबाद से सिकंदराबाद को अलग करती है झील हुसैन सागर। ये देखिए यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे दे दी है जो चीजें मैंने बताई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? तो आंसर आपको पता होगा, काफी फेमस झील है, तो आंसर हो जाएगा केरल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और किस टाइप की झील है? कृत्रिम झील है, और जो पेरियार नदी है इस पर बना जो बांध है इसके कारण ये अस्तित्व में आई। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की मैंने बताया था, भारत में जो सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की यह है वूलर झील। तो आपको याद रखना है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर झील। और कहाँ पे है? तो गाइस ये भी आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में है। तो ये देखो ये इससे रिलेटेड सारे फैक्ट लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है पुलिकट झील कहाँ स्थित है? पुलिकट झील का बताना है। तो गाइस पुलिकट झील की अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पुलिकट झील है इसकी बात करें तो ये जो पुलिकट झील है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। ध्यान दीजिए, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है और इसका 84% यहाँ पे मैंने लिख दिया है, 84% तो आंध्र प्रदेश में स्थित है और 16% हिस्सा है ये है तमिलनाडु में। तो यहाँ देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स आप देख सकते हो, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है पुष्कर झील है ये कहाँ अवस्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस पुष्कर झील का आप सभी को पता होगा अजमेर में स्थित है, और अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। अब यहाँ पे इससे जुड़े फैक्ट देखिए, यहाँ पे पुष्कर झील की बात करें तो ये मैंने बता दिया राजस्थान के अजमेर में स्थित है, और पौराणिक मान्यता के अनुसार ये जो झील है पुष्कर झील, इसका निर्माण करवाया किसने? भगवान ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण करवाया था, और इसी कारण से इस झील के निकट ही ब्रह्मा जी का मंदिर है। अगर आपने पुष्कर में विजिट किया होगा, पुष्कर गए होंगे, तो आपने जरूर देखा होगा जो झील है पुष्कर झील, उसके पास में ही ये ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर झील की बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा माह में यहाँ एक मेला लगता है, पुष्कर मेला। और यहाँ पे देखो सबसे मेन चीज आपको याद रखनी है कि इसकी मान्यता क्या है इस झील की। तो गाइस ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से जो स्किन से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं, और जो स्किन है वो साफ सुथरी रहती है, ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है पिचोला झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो गाइस पिचोला झील की बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान। अब देखो राजस्थान में भी कहाँ पे स्थित है? राजस्थान का उदयपुर जिला है उसमें स्थित है, उदयपुर में। अब देखो राजस्थान में और भी काफी सारी झीलें हैं, उनके नाम आप देख सकते हो, जैसे कि सांबर झील, जैसमबंद झील, राजसमबंद झील, फतेह सागर झील, और ये डीडवाना झील, ये सारी है राजस्थान में।
अगला क्वेश्चन है कि उमियम झील है वो किस राज्य में स्थित है। तो उमियम झील की बात करें तो ये स्थित है मेघालय में। आपको आंसर करना है मेघालय, ऑप्शन डी है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो गाइस ये थी भारत की कुछ फेमस लेक्स यानी कि प्रसिद्ध झीलें जिनके बारे में हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच पाए। और जितना आप लोगों की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स हम लोगों को मिलेगा उतना ही बेस्ट हम आप लोगों के लिए कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।